सभी धर्मों का अपना अपना एक्ट है कि उनका शादी कैसे परफॉर्म होना, उनकी डेथ कैसे, डेथ के बाद क्रीमेशन को कैसे परफॉर्म करना है, उन सब पे एक्ट बने हुए हैं। अभी सिखों का भी एक्ट बन चुका है, लागू हो चुका है आनंदगढ़, लेकिन वर्षों से एक लंबी डिमांड चली आ रही है, लंबे सालों से, जिस पे हमारे साथी मुकुंद खेरे जी हैं महाराष्ट्र से, नागपुर से, बौद्ध जी हैं हमारे लखनऊ से, और तो हम लोग वर्षों से डिमांड कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट लॉ होना चाहिए और बुद्धिस्ट क्रीमेशन का भी लॉ होना चाहिए, लेकिन वर्षों की डिमांड के बाद, कई सारे बड़े बड़े प्रदर्शन करने के बाद और काफ़ी गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉमिस मिले, लेकिन उसके बाद भी आज तक बुद्धिस्ट लॉ नहीं बना है। तो हम 11 तारीख को हमारे सारे साथी दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कई हजार बौद्ध लोग पूरे देश से इकट्ठे होंगे, और हम केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं बार बार, तो उसी को लेके हमने प्रदर्शन 11 तारीख का जंतर मंतर पे तय किया है कि बुद्धिस्ट का अपना लॉ होना चाहिए, मैरिज का भी होना चाहिए और क्रीमेशन का भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है पाली भाषा, पाली भाषा को सुरक्षित और संरक्षित रखने के ऊपर भी कानून बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक सरकारें पाली भाषा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए गंभीर नहीं है। जो हमारे शिलालेख हैं जो सम्राट अशोक के टाइम के हैं, जिसमें पूरा बौद्ध कल्चर के बारे में सारा डिटेल इतिहास हमें मिलता है, वो बड़े बड़े शिलालेख भी कई जगह नष्ट हो रहे हैं, उसको संरक्षित करने पे भी जो सरकार को कदम उठाने चाहिए नहीं उठा रहे हैं, तो उसी पे आज हम लोगों ने बुलाया था। मैं चाहूँगा खेरी जी थोड़ा इस पर ब्रीफ करें, क्योंकि इस मूवमेंट को, जो बुद्धिस्ट मूवमेंट शुरू से चल रहा है, इसको नागपुर से खेरे जी, एडवोकेट खेरे, लगातार शुरू से इसको फाइट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा चिंता इस बात की है कि एक कानून कैबिनेट में पास होता है, उससे अगले दिन लोकसभा में होता है, उससे अगले दिन राज्यसभा में होता है, यानी सरकार की इच्छा शक्ति कर्मी की हो तो 3 दिन के अंदर कानून बना देते हैं। और एक वो है जिसको 2016 से बार बार उठा रहे हैं, बार बार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रपोज्ड बिल है बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ 2018, तब से उनको दिया हुआ है कि हम खुद होमवर्क करके हमने दे दिया उनको, तो सिर्फ उसको बिल को संसद में लाना था, लेकिन वो इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहे हैं उसको लाने की, जबकि बौद्ध धर्म एक अलग धर्म है और देश के, दुनिया के 52 देशों में बौद्ध धर्म है, और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म है वो देश बहुत विकसित हो चुके हैं, उसके बाद इस तरह की भावना रखना, उस बिल को संसद में ना लाना, ये दुर्भावना को दर्शाता है। तो 11 को फिर बहुत बड़ा प्रदर्शन है, तो बार बार क्या जनता प्रदर्शन करती रहेगी, क्या बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले लोग बार बार प्रदर्शन करेंगे, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसी बात को लेके खेरे जी और उनकी टीम हम लोगों से मिली थी और अरविंद जी से मिली थी CM साहब ने, और हमने इस पर पूरी अपनी सहमति जताई है कि आपका ये बिल बनना चाहिए और हमारी पार्टी इसमें आपके साथ सहमत है आपके मुद्दे से। अब आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर, दिल्ली में इस धर्म को लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, या फिर आपने दिल्ली सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती हैं बौद्ध धर्म को? देखिए, सभी धर्मों के लिए सरकार समान होती है, तो जहां तक सुविधाएं देने की बात है, उसमें तो जो हमारा भारत का संविधान है, उसमें जितने भी अल्पसंख्यक आते हैं, उनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का अपना अधिकार है, और उस अधिकार को अगर बुद्धिस्ट लॉ बन जाता है, तो फिर बौद्ध लोगों की अगर सपोर्ट करो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो जो बाकी धर्मों के इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इनको भी मिल जाएगा। सरकार, दिल्ली की सरकार तो वचनबद्ध है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार इस कानून को बनाती नहीं है, तब तक इन लोग का कोई अपना इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता और उसको प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं हो सकता। स्वाभाविक सर ये है कि ये मामला 1955 का है, 60 साल से ये मामला चल रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी से जब सवाल करेंगे तो ये सिर्फ मोदी विरोधी गठजोड़ है, चूंकि केजरीवाल बीजेपी के विरोधी हैं, तो 60 साल के बाद ये मुद्दा अचानक से आएगा, केंद्र सरकार भी पास करो, केंद्र सरकार भी सारा काम कर दो। इसका कोई कंसर्न इस बात से नहीं है कि 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना, उसके बाद बुद्धिस्ट लॉ नहीं बना। जो भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उसके बाद बीजेपी की भी सरकार रही है, फिर कांग्रेस की सरकारें आई हैं, हम उन सबको दोषी ठहराते हैं इस काम के लिए। उन सबकी जिम्मेदारी थी इसको बनाना,
लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उसके बाद इस प्रेजेंट की सरकार ने प्रॉमिस किया, उन्होंने भी नहीं बनाया, तो हम लोग तो तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक नहीं बन जाता। भारत की जो भी गवर्नमेंट आई है, क्या उन लोगों को अभी ये डर लग रहा है कि बुद्धिस्ट लॉ अगर बन गया तो उनको कोई घाटा होगा? मुझे तो लगता नहीं किसी को इसमें डरने की जरूरत है। सबका अपना अपना रिलीजन है, सबके अपने अपने रिलीजन के हिसाब से उनके क्वालिफाइड लॉ है, उनको पर्सनल लॉ है तो पर्सनल लॉ होना चाहिए। इसमें तो कोई बात ही नहीं दोहराए वाली। ये सिर्फ सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है। अब सिखों का जब ज्यादा प्रेशर उन्होंने बना दिया तो ये हम लोग भी प्रेशर ग्रुप का, हमारी ये संस्थाएं काम कर रही है उसी के तहत 11 को बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। तो अरविंद केजरीवाल आएंगे 11 तारीख को? अरविंद जी से बात तो हुई थी लेकिन उनका टाइम कंफर्म हो जाएगा तो हम इन्हें कंफर्म करेंगे। तो मेरी उनसे आज रात को 7:30 बजे मीटिंग है, 9:30 बजे। कितने फॉलोवर हैं देश में आपके और दिल्ली में कितने फॉलोवर हैं? बुद्धिस्ट फॉलोवर 1.67% है पूरे देश में। दिल्ली के अंदर अभी कुछ सेपरेट उस तरह का डाटा जो आया है वो 1% से कुछ कम है। वजह है इसकी, आप ये देखिए ज्यादातर जो एक तो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है नॉर्थ ईस्ट में, वो तो पहले से बुद्धिस्ट है, वर्षों से चले आ रहे हैं बुद्ध के समय से। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में जो बुद्धिज्म है या साउथ इंडिया में जो बुद्धिज्म है, वो बुद्धिज्म 1956 में 14 अक्टूबर को जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसके बाद जो SC ST के बहुत बड़ी मात्रा में लोग बुद्धिस्ट फॉलोवर बने हैं। तो ये जो बुद्धिस्ट है ये सारे SC ST समाज के लोग ही बने हैं, थोड़े बहुत जनरल कैटेगरी के लोग भी बुद्धिस्ट बने, तो उस वजह से वो गिनती कहीं ना कहीं अभी अगर वैसे निकालेंगे तो संख्या करोड़ों में बैठेगी। और दिल्ली के अंदर भी ये जो संख्या है ये कम से कम 20 लाख के आसपास बैठेगी। लेकिन चूंकि उसका अभी वो SC भी हैं, चूंकि उनको यहाँ बेनिफिट दिखता है कि यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि तो बुद्धिस्ट डिक्लेयर करेंगे तो फिर वहाँ आपको SC भी नहीं समझा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि रिलीजन बदलने से आपका कास्ट का स्टेटस चेंज नहीं होता, उससे आपकी कोई डिग्निटी नहीं बन जाती। तो लेकिन लोगों में कई मुद्दों के ऊपर अपनी राय मुखर तरीके से रखते आए हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में प्रश्न आम आदमी पार्टी का अलायंस के साथ आने का है, तो आपको आपकी राय क्या है, राजनीतिक राय इस मसले को लेकर? कांग्रेस के साथ आना चाहिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में? देखिये ये फैसला पार्टी का जो ऊपरी स्तर के हमारी BAC है ये उसको लेना है, ये इस पे मैं अधिकृत नहीं हूँ कि मैं इस पे कोई बयान दूँ। आपकी पर्सनल राय क्या है? पर्सनल राय पूछा जा रहा है, पार्टी की राय, आपकी अपनी राय। हमारी पार्टी तो चुनाव सातों की सातों सीट पे लड़ेगी, लेकिन ये सच है जब दो दिशा में चुनाव है, एक तरफ NDA और एक तरफ महागठबंधन है, अगर इस तरह चुनाव होता है तो मोदी जी की सीट जो है वो 100 पे पहुंच जाएंगी, और अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो मोदी जी की सीट जो है वो लगभग 150-200 पे पहुंच जाएंगी, और पूरे NDA की सीट 200 तक पहुंच जाएंगी अगर त्रिकोणीय होता है। लेकिन अगर दो तरफा मुकाबला होता है तो मोदी और NDA दोनों मिला के 150 पे खत्म हो जाएंगी। उस हिसाब से तो बड़े मतलब ऊपर बढ़ के थोड़ा दलगत उससे हटके देश के संविधान को बचाने के लिए और ऊपर बढ़ के सोचना होगा। दिल्ली के संदर्भ में क्या आप मानते हैं जरूरी है? ये पूरे देश पे लागू होती है बात। सर ये टॉपिक चेंज हो रहा है, जब ये देश की जनगणना होती है सर वो पेंसिल से होती है, जो लोग अपना बुद्धिस्ट लिखाते हैं उसे जो जनगणना करने आते हैं उसे मिटा के वो जनरल कर देते हैं, उसका उस पर कोई आपका ध्यान गया था? सबका ध्यान है, अभी आपको पता होगा पहले 13 सीट हुआ करती थी विधानसभा की, जनगणना में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने अपना आपको बहुत दिखा, तो वो SC की संख्या उसमें फिर कम आ गई और 1 सीट कम हो गई। मुझे लगता है जाति का कॉलम जो है वो लिखें फिर बौद्ध लिखें, तो आपकी सीटें जितनी आपकी पॉपुलेशन वो बनी रहेगी। मैं उसे अपील करूंगा कि जो लोग बौद्ध धर्म में या सभी धर्मों की स्वतंत्रता में भरोसा रखते हैं वो लोग हमारी इस आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करें और आएँ, और इसके साथ साथ 13 पॉइंट रोस्टर पे भी पूरे देश में माहौल तैयार हो रहा है। क्योंकि आज इन्होंने ऐसा कर दिया कि आने वाले समय में जैसे पहले गुरुकुल होते थे और जो मनुस्मृति के हिसाब से SC ST के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं रहा 4000 साल, तो अब यूनिवर्सिटीज़ में SC ST के लोग प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, 0 हो जाएगा आंकड़ा एकदम। तो उस पर पूरे देश में माहौल है और सारी पार्टी, अच्छी बात है कि
एकजुट उस मुद्दे पे हो रही है, तो कई आंदोलन बड़े बड़े हम लोग कर चुके हैं और आने वाले समय में इस पे मुझे लगता है बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है।